Hello my dear students, welcome to my series of Python programming. In our previous video, we have covered the concept of output based functions. In this video, we are going to discuss some function definition questions. Okay, exam mein aapke CBSE class 12 ke board exam mein is type ke questions aane ke pure pure chances hain. Aur one more thing beta, jab bhi exam mein question aayega, they will not tell you to write the whole program. They will just tell you to write the function definition part. Okay, so let's start with that concept. We will start from this question. Kritika was asked to accept a list of even numbers, but she did not put the relevant condition while accepting the list of numbers. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कृतिका को क्या बोला गया कि आपने इवन नंबर्स की लिस्ट एंटर करानी है, बट उसने कुछ रेलिवेंट कंडीशन नहीं लगाई, उसने लिस्ट में मिक्स नंबर्स एंटर करा दिए, इवन भी और ओड नंबर्स भी. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन ओड टू इवन एल दैट एक्सेप्ट द लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड कन्वर्ट ऑल द ओड नंबर्स into even by multiplying by them with 2. तो आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन को रीड आउट करके उसको समझना है कि कहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज किया. डेफ इज यूज टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. ओके, सो आई एम राइटिंग इट हियर डेफ. आफ्टर दैट आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि जो फंक्शन डेफिनेशन जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें जो फंक्शन का नेम आप लिखोगे वो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही नेम लिखोगे, अगर नहीं गिवन है तो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अब देखो क्वेश्चन में नेम गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन ओड टू इवन. दैट मीन्स अब मुझे कौन सा फंक्शन का नेम यूज करना है, odd to even, और ब्रैकेट में देखो l, l is the name of your list. उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, column. ओके, उसके बाद हम next start करेंगे indentation देकर. अब 4i in range, for loop लगेगा. अब मुझे क्या करना है कि उसने कृतिका ने जो भी आपके odd numbers enter किए थे उसको आपने even में convert करना है और multiply किससे करना है, 2 से. तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट का नेम क्या है यहाँ पर, एल. तो दैट मीन्स अगर मेरे लिस्ट में उसने 5 एलिमेंट्स एंटर कराए हैं तो इंडेक्स क्या होगा उनका, 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो उसमें एक ये कम तक चलेगा, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना. सो नेक्स्ट लाइन में अब कंडीशन किसकी चेक करनी है, ओड नंबर्स की. ओड नंबर्स के लिए इफ L of I modulus 2 not equals to 0. ठीक है, ये आपकी किसकी कंडीशन हो गई, odd numbers. अब देखो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे I में स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, 0. इफ L of 0 means L of 0 जो भी लिस्ट में 0 पोजीशन पर एलिमेंट होगा और आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हो क्या आपका odd number है. तो ओड नंबर होने पर आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से. एल आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई इनटू 2. तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन में. एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में पोजीशन वर्ड मेंशन है, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट ऑल द ओड नंबर्स टू पुट द रेलिवेंट कंडीशन ऑन लिस्ट ऑफ नंबर्स पर. अगर मुझे नंबर्स पर कंडीशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पर एल आई आएगा, बट अगर मुझे पोजीशन पर वो कहता तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखते, आई. पोजीशन मीन्स जो उसकी आई की वैल्यूज हैं, आई की वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2, 3, और यही आपकी किसकी वैल्यूज हैं, पोजीशन. ठीक है, तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना फंक्शन डेफिनेशन पार्ट ही लिखना है. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डेफिनेशन of a function reverse. अब function का name given है आपको क्या, reverse. To display the elements in reverse order such that each displayed element is the
ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट कि आपने लिस्ट को रिवर्स भी डिस्प्ले कराना है, प्लस जब आप उसका रिवर्स करोगे आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और लिस्ट का नेम क्या गिवन है, एक्स। एग्जाम्पल भी गिवन है आपको कि इफ लिस्ट एक्स कंटेन्स इंटीजर्स, ये वैल्यूज गिवन है 4, 8, 7, 5, 6, 2 and 10, इसका इंडेक्स लिख लिया। अब देखो जब हम इसको रिवर्स डिस्प्ले कराएंगे तो पहले क्या प्रिंट होएगा, 10, और मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 10 इंटू 2 विल बी 20। नेक्स्ट देखो 2, 2 इंटू 2, 4, नेक्स्ट 6 इंटू 2, 12, हो रही है लिस्ट आपके रिवर्स में, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे कोडिंग, डेफ से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद देखो फंक्शन का नेम आपको गिवन है रिवर्स, लिस्ट का नेम भी गिवन है x, उसके बाद कॉलन लगाओगे। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट को रिवर्स डिस्प्ले कराना है। रिवर्स डिस्प्ले कराने के लिए 4i in range, अब मैं लिस्ट कहाँ से डिस्प्ले करा दूंगी, रिवर्स लेंथ ऑफ जो मेरे लिस्ट का नेम है x -1, -1, -1। लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो मेरा लेंथ ऑफ x माइनस वन मीन्स अगर मैंने यहाँ लिस्ट में 7 एलिमेंट्स डलवाए तो -1, 6, तो मेरा 6 एलिमेंट से स्टार्ट होगा। और ये आपकी -1 क्या है, स्टेप वैल्यू है, और ये मेरी एंडिंग वैल्यू है -1, उसके एक ज्यादा तक चलेगा तो -1 + 1 विल बी 0, तो वो यहाँ 0 तक चलेगा। मीन्स पहले 6, फिर -1, 5, फिर -1, 4, लाइक दिस, ठीक है। तो अब मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स तो हो गया, अब मुझे साइड बाय साइड इसको प्रिंट कराना है। बट कैसे प्रिंट कराना है उसका, ट्वाइस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यू हैव टू डिस्प्ले ईच एलिमेंट इज द ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट, ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अगर ये आपको कहता कि आपको थ्राइस करना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड इन पाइथन ऑल्सो, डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन नेम विल बी रिवर्स और एक्स, ये आपकी लिस्ट है। सबसे पहले मुझे उसको क्या करना है, रिवर्स, तो फॉर आई इन रेंज तो व्हाट विल आई गोइंग टू ऐड दिस, लेंथ ऑफ एक्स -1, -1 एंड दिस -1 इज योर स्टेप वैल्यू। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, एक्स ऑफ आई इंटू 2 डिस्प्ले करा दिया। अब मैंने सपोज यहाँ पर कोई भी एक लिस्ट ली, सपोज 10, 20, कोई भी रैंडम वैल्यूज आई एम टेकिंग, ओके। इसको हमने डिस्प्ले करा दिया लिस्ट को, ठीक है। अब हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन नेम इज रिवर्स, और उसके बाद मैंने लिस्ट प्रिंट करा, ठीक है। ये लिस्ट पास करेंगे यहाँ से, ये आपकी किस में आ जाएगी, एक्स में। तो लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन ये वैल्यू पहले पिक करेगा वो, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से, फिर -1, दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल बी पिक्ड, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ, आई एम सेविंग द फाइल, यस। नाउ सी द आउटपुट, ये आपकी लिस्ट थी। अब सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, 10 इंटू 2, 16, 7 इंटू 2, 14, हो गए रिवर्स में प्रिंट। बट अगर आपको चाहते हो कि वो उसी में लाइन में प्रिंट हो तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगी, एंड आर्गुमेंट। नाउ सी, हो गए एलिमेंट्स रिवर्स में डिस्प्ले, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ मेथड इन पाइथन टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट थ्राइस, थ्राइस मीन्स मल्टीप्लाई विथ 3 इफ इट इज अ नंबर, कि आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है और उसके एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है अगर वो नंबर है तो, एंड डिस्प्ले द एलिमेंट टर्मिनेटेड विद हैश इफ इट इज नॉट अ नंबर, कि अगर वो नंबर नहीं है तो आपने उसको किससे टर्मिनेट करना है, उसके बाद क्या सिंबल आ जाए, हैश सिंबल। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन टू यू, दिस लिस्ट नाम से आपको एक लिस्ट गिवन है एग्जाम्पल में, ये लिस्ट मैंने एंटर करा, ठीक है। अब फर्स्ट देखो ये आपका नंबर है 41, अब आपको इसको क्या करना है, थ्राइस मीन्स 41 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 3
एक चीज ध्यान रखना बेटा, लिस्ट में आपको ये विद इन स्ट्रिंग नंबर गिवन है। अगर वो इंटीजर लिखोगे तो 41 इंटू 3 हो जाएगा, बट अगर मुझे चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं है, उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, इज डिजिट फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस इन पाइथन ऑल्सो डायरेक्ट, इरेजिंग दिस डेफ। नेम ऑफ फंक्शन इज नॉट गिवन टू यू, सो यू कैन राइट एनी नेम ऑफ फंक्शन। सपोज आई एम राइटिंग प्रिंट, ठीक है। अब लिस्ट का नेम भी आपको नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पर अपने चॉइस से कोई भी लिस्ट का नेम ले सकते हो। अब देखो मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स पहले चेक करने, एक एक एलिमेंट को पिक करूंगी फॉर आई इन एल। ठीक है, अब अगर वो आई डॉट क्या है, इज डिजिट। ठीक है, कि जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट पिक किया है वो इज डिजिट है, तो मुझे उसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, प्रिंट थ्राइस करना है ना, तो 3 इंटू आई। एल्स अगर नहीं है तो मुझे उसको क्या करना है, हैश से टर्मिनेट करना है। अब यहाँ पर देखो पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले होएगी फिर हैश, तो दैट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट, फर्स्ट आई विल प्रिंट आई देन प्लस विद हैश। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स को हम कंकेटिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। ठीक है, अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे, कोई भी स्ट्रिंग या तो आप यूजर से एंटर करा सकते हो या फिर यहीं पर लिख सकते हो। लेट्स दिस टाइम वी विल गेट इट एंटर विद द हेल्प ऑफ यूजर। लिस्ट एंटर कराई, इवन फंक्शन क्या करेगा, इसको जो भी आप यहाँ पर लिस्ट फंक्शन भी ले सकते हो या फिर इवन, ये आपका आइडेंटिफाई करके उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। सो एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने एंटर करा दिए। अब मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है, प्रिंट फंक्शन को, और ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास कर दिया एलएसटी, दिस बी विल बी स्मॉल। इसकी थोड़ा सा एक बार ड्राई रन देखते हैं, डिफाइन। अब देखो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन कॉल होएगा। अब सपोज मैंने एलएसटी में ये वाली वैल्यूज एंटर कर दी, फर्स्ट मैंने नंबर एंटर करा 41, उसके बाद लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग एंटर करी पाइथन, उसके बाद आई हैव एंटर 88, और उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग एंटर कर दी लेट सपोज C++। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन एल, अब मैंने रेंज फंक्शन नहीं यूज किया, अगर रेंज फंक्शन करती तो आई की वैल्यू 0 होती, फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, एल ऑफ आई। ठीक है, तब मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर आई इन एल, दैट मीन्स एल में आपकी पहले आई में वैल्यू क्या आएगी, पहले 41। ठीक है, अब चेक करो 41 डॉट इज डिजिट, इज डिजिट कि 41 मेरा डिजिट है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। अब ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो इसको क्या है, 3 इंटू आई, 3 इंटू आई में वैल्यू क्या है, 41। और अब मुझे पता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी 41, 41 एंड 41। ठीक है, नेक्स्ट आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग पाइथन। अब अगेन कंडीशन विल बी चेक्ड कि इफ आई डॉट इज डिजिट, अब दिस टाइम ये मेरा डिजिट नहीं है तो कंडीशन विल बी फॉल्स, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में आपने क्या प्रिंट कराना है, आई प्लस हैश, आई में मेरी कौन सी स्ट्रिंग है, पाइथन प्लस हैश। अब दो स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, तो आंसर विल बी पाइथन एंड हैश। ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ, एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सपोज आई हैव एंटर्ड 41 एंड आफ्टर दिस सेकेंड हियर फंक्शन नेम इज कैपिटल पी। ओके, फंक्शन इज ऑलरेडी अ नेम ऑफ इनबिल्ट, प्रिंट इज ऑलरेडी अ नेम ऑफ इनबिल्ट फंक्शन ना, सो लेट्स चेंज दिस प्रिंट मैसेज। ओके, सो लेट्स राइट इट हियर प्रिंट मैसेज, लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ, एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सपोज आई एम राइटिंग 41 पाइथन एंड देन
let's suppose these two.